हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वा सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। इंडिया पोस्ट के तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, 1 लाख पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग पद होंगे और आपको बताते चलें, जो भी बेरोज़गार युवा हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। आपको बताते चलें, यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th और 12वीं, यानी मैट्रिक और 12वीं रखा गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो क्या कुछ प्रक्रिया रहेगा, किस तरीके से आवेदन होगा, आवेदन का जो अंतिम डेट रखा गया है वो कब तक रखा गया है, सैलरी क्या होगा, ठीक है, आवेदन किस मोड में आपको करना है, सब कुछ हम बताएंगे विस्तार से। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चूँकि भैया काफ़ी दिनों के बाद मुझे ऐसा वैकेंसी देखने को मिला है जो कि 1 लाख पद पर है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, जो जॉब के चक्कर में इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पर 1 लाख पदों पर जो वैकेंसी है वो आई है। अब समझते हैं कि जो वैकेंसी है वो क्या क्या है विस्तार से। लगातार पोस्टमैन सहित, यानी पोस्ट मास्टर सहित 98,083 पदों की यहाँ पर बहाली ली जाएगी इंडिया पोस्ट की तरफ से, ठीक है। इंडिया पोस्ट ने पोस्टमैन, जिसमें मेल गार्ड पोस्टमैन भी होगा, सहित आपको बताते चलें 98,083 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से 23 सितंबर 2022 तक आवेदन मांगे हैं। ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में नहीं, ऑफलाइन मोड में आवेदन मांगा गया है। इधर पेपर कटिंग भी मैं लगा रहा हूं ताकि आप देख सकें, समझ सकें। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या फिर 12वीं की डिग्री हासिल की हो, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 18 से 32 वर्ष के बीच होना चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में जो है छूट मिलेगी। यहाँ पर वेतनमान की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को तय नियमों के अनुरूप प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। तो वेतन को खुलकर लेकर नहीं कहा गया, लेकिन 20-30-35 प्लस ही रखिए, ठीक है। GDS वाले में आप देख सकते हैं कि 10 से 15 हज़ार रुपया उसमें है, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा सैलरी भी देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये गवर्नमेंट वाला जॉब रहेगा, तो इसमें सब कुछ आपको जो फैसिलिटी है वो देखने को मिलेगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो इन पदों के लिए उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का आवेदन कोई शुल्क नहीं देना है। 100 रुपया, 50 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 700 रुपया जो और आवेदन में आप लोग देते हो ना, तो वो आपको आवेदन का पैसा इसमें नहीं लगेगा, एकदम फ्री है, ठीक है। आपको बता दें, जो आवेदन मांगा गया है, आवेदन संबंधी पूर्ण जानकारी इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, उम्मीदवार वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो चयन के प्रक्रिया बताया गया है यहां पर, योग्य उम्मीदवारों का चयन स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, तो इसमें साफ जाहिर बताया गया है कि 23 सितंबर 2022 तक ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। और जो विस्तृत जानकारी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, http://indiapost.gov.in पर उपलब्ध है। लेकिन अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी मैंने चेक करा है, अभी इसमें नोटिफिकेशन नहीं आया है। मे भी हो सकता है शाम तक या फिर कल सुबह तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए, तो उसमें आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगा। आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप इंडिया पोस्ट लिख करके आप रिक्वायरमेंट में जाएंगे, तो वहां पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा कि आपका जो आवेदन का प्रक्रिया रखा गया है, उस किस पते पर मांगा गया है, फॉर्म किस तरीके से डाउनलोड करना है, उसको भरना का तो आसान बात है भाई, नाम पता वगैरह, एड्रेस वगैरह सब ये जो फिल करना रहता है, उसको भेजना कहाँ है, रजिस्ट्री मोड में भेजना है, कैसे भेजना है, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और कौन कौन से पद यहाँ पर बताया गया है कि डाकिया और साथ ही साथ यहाँ पर पोस्टमैन, मेल गार्ड के सहित, तो और भी कई सारे पद हो सकते हैं, उसका डिटेल्स आपको कल देखने को मिल जाएगा। आज पेपर में आया है और यहाँ पर आवेदन की बात कही गई है 23 सितंबर, तो जाहिर सी बात है कि शाम तक, रात तक, या फिर कल तक, या कल शाम तक आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर शो देखने को मिल जाएगा। तो इस बात पे एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी हम फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप हमसे बातें कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने किसी मनचाहा टॉपिक पर सजेस्ट करके या फिर DM करके मुझसे वीडियो बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।